हम सब अभी मुगल एम्पायर के बारे में जानते हैं। टेक्स्ट बुक्स इनके एडमिनिस्ट्रेशन और सो कॉल्ड ब्रेवरी की स्टोरी से भरा पड़ा है। लेकिन क्या आपको पता है कि अपने पीक पर होने के बावजूद भी वो पूरे इंडिया पर रूल नहीं कर पाए? जी हाँ, मुगल एम्पायर ने कभी भी पूरे इंडिया के ऊपर रूल नहीं कर पाया था। ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि एक नॉर्थ ईस्ट में ऐसा भी किंगडम था जिन्होंने मुगल्स को 17 बार हराया था। उतना ज्यादा शक्तिशाली और युद्ध नीति में कौशल मुगल को 17 बार हराया, लेकिन हम सब में से बहुत कम लोग ही इनको जानते होंगे। हम बात कर रहे हैं अहोम एम्पायर की, जो हमारे इतिहास का अद्भुत ही स्पेशल हिस्सा है, लेकिन हिस्ट्री के पेज में कहीं दब सा गया है। तो आइए आज हम उसी अहोम एम्पायर के बारे में जानते हैं, और आप पूरा वीडियो जरूर देखें और हमें बताएं कि अहोम हमारे हिस्ट्री में कितना इम्पोर्टेंस रखता है। जब मुगल एम्पायर अपने पीक पर था तब वो प्रेजेंट डे बांग्लादेश तक पहली पकड़ बना चुका था। हम सब इस बात को जानते हैं, औरंगजेब के शासन के समय वन ऑफ द ब्रूटल फेज था इंडियन हिस्ट्री का। लगता था जैसे वॉर और वॉयलेंस ही औरंगजेब को पसंद था, लेकिन इसी वॉर और वॉयलेंस से नॉर्थ ईस्ट को बचाने का काम अहोम एम्पायर ने किया। लेकिन सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में मुगलों को इतना इंटरेस्ट क्यों था। अगर हम जियोग्राफी को देखें तो नॉर्थ ईस्ट में बहती है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसके किनारे पर बसे हुए थे अहोम एम्पायर। ब्रह्मपुत्र नदी का किनारा इंडिया का सबसे फर्टाइल लैंड माना जाता है। इसके अलावा असम को कंट्रोल करने से मुगल ईस्ट एशिया के ट्रेड को भी आसानी से कंट्रोल कर सकते थे, और मुगल की नजर उन प्रॉफिट और टैक्सेस पर थी जो बढ़िया एग्रीकल्चर और वेल सेटल्ड ट्रेड इन्हें दे सकता था। इसी की वजह से 1615 से लेकर 1682 तक मुगल ने बार बार असम पर अटैक किया। अहोम ने खूब लड़ा, लेकिन 1667 में अहोम मुगलों से हार गए। अपना राज्य का एक हिस्सा तो उन्होंने खोया ही, उसके 3 लाख रुपए भी उन्हें मुगलों को देना पड़ा अपने रॉयल खजाने से। अहोम ने गुवाहाटी पर से अपना कंट्रोल खो दिया, और यहाँ तक 2 अहोम की प्रिंसेस को भी मुगलों ने कैप्चर कर लिया था। अब जंग बैटलफील्ड से बढ़कर घर तक आ गई थी, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, यहाँ बल्कि शुरू होती है। ये कहानी है महान अहोम एम्पायर की, जिसके ब्रेवरी के हिस्से इतिहास में दब गए हैं कहीं पर। अभी अहोम एम्पायर का ग्रेटेस्ट चैप्टर और मुगल की सबसे सर्वनाक हार अभी बाकी थी, बैटल ऑफ सरायघाट लोचित ब्रोफुकान। जो उस समय अहोम के आर्मी जनरल थे, उन्हें आज तक भारत का सबसे महान आर्मी जनरल में से एक माना जाता है। उन्होंने मुगलों से गुवाहाटी वापस लिया, लेकिन सेलिब्रेट नहीं किया क्योंकि उन्हें आने वाले खतरे का अंदाजा था। उन्हें पता था कि मुगल शांत नहीं बैठने वाले। लोचित ब्रोफुकान सही थे। मुगल ने फिर असम पर हमला किया, और इस बार 5000 गन, 15000 आर्चर्स, 3000 इन्फेंट्री और 1000 से ज्यादा तोपों के साथ मुगल वापस आए। ये नंबर ही बड़े से बड़े एम्पायर और डायनेस्टी को डराने के लिए काफी है, लेकिन लोचित ब्रोफुकान ने अपने दिमाग लगाते हुए युद्ध को बैटलफील्ड से हटाकर जंगल वैली और रिवर में ले गए, जहां पर मुगल की बड़ी आर्मी उनकी स्ट्रेंथ बनने की जगह उनकी कमजोरी बन गई। मुगल की नेवी उनकी कमजोरी थी, और अहोम ने लैंड रूट को ब्लॉक करके उन्हें पानी में आने को मजबूर कर दिया। लेकिन एक टाइम पर लोचित ब्रोफुकान बीमार पड़ गए, और आर्मी भी पीछे हटने का सोचने लगी, लेकिन लोचित ब्रोफुकान सबकी हिम्मत बढ़ाई और फिर मुगल हार गए, जिसके बाद से मुगल ने अपना फोकस सेंट्रल इंडिया पर शिफ्ट कर दिया। और अब हर साल 24 नवंबर को पूरे असम लोचित ब्रोफुकान की ग्रेटनेस को सेलिब्रेट करता है। अगर अहोम के बारे में कुछ बोले तो उन्हें उस समय के सबसे अलग डायनेस्टी माना जाता था। अलग इसलिए नहीं कि वो म्यांमार से आए थे, अलग इसलिए भी नहीं कि उन्होंने मुगल को हराया था, अलग इसलिए क्योंकि वो हर किसी को फ्लोरिश, हर कल्चर और ट्रेडिशन को फ्लोरिश होने का मौका देते थे। अब मेरे ऊपर पूछे गए सवाल को डिसाइड करके कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। इसी तरह की इंटरेस्टिंग फैक्ट और स्टोरी जानने के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल हम सब जानते हैं।